नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। गंगा में आपका स्वागत है। षटतिला एकादशी व्रत का विधि विधान। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। पौष मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाए। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। ऐसा कहकर अर्घ्य देना चाहिए। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को काली गाय और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार छह रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान गंगा से जुड़े रहने के लिए ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर यह सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। ये देखिए, ये बेल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे
आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।